कुछ दिन पहले की बात है, 8 मई 2023 को सुबह सूरतगढ़ एयरबेस से एक MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरता है। सुबह के लगभग 9:45 हो रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स का ये MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक गाँव के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन ये क्या, अचानक से पायलट को कॉकपिट में कुछ टेक्निकल इशू सेंस हुआ है। इस MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट में पक्का कोई गड़बड़ है, पायलट इसे हैंडल नहीं कर पा रहा है और ये तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होकर जमीन की ओर बढ़ रहा है। इंडियन एयरफोर्स के प्रोसीजर के हिसाब से पायलट ने सारे दांव पेच खेल लिए, लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल होने की वजह से पायलट अपनी जान बचाने के लिए तुरंत इजेक्ट कर गया। थैंक गॉड पायलट की जान बच गई। लेकिन वेट, व्हाट अबाउट द एयरक्राफ्ट? ये 5200 kg का 40 फीट लंबा जेट फाइटर खाली जगह पर ना गिरा तो? और अनफॉर्चुनेटली 8 मई 2023 को जिसका डर था वही हुआ। हनुमानगढ़ के गांव में रतिराम के घर में उसकी वाइफ के अलावा दो औरतें और मौजूद थीं, लीला देवी और बंतो कौर। ये MiG-21 उनके ऊपर जाकर गिरा, जिसमें से दो की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और एक की हॉस्पिटल ले जाने के बाद डेथ हो गई। लेकिन प्रोफेसर, एक एयरक्राफ्ट अगर क्रैश हो भी गया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? भाई मशीन है, टेक्निकल ग्लिच कभी भी आ सकता है। आई एग्री, लेकिन इस बात पर भी ध्यान दो कि पिछले 60 सालों में 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हो चुके हैं और इन एक्सीडेंटल क्रैशेस की वजह से करीबन 200 प्लस स्किल्ड पायलट्स और 63 प्लस सिविलियंस ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। सिर्फ 2010 से 2023 के बीच 14 MiG-21 क्रैश हुए थे, जितने टोटल आज तक इंडिया को मिले या इंडिया ने बनाए हैं, यानी 874 टोटल MiG-21 में से आधे से ज्यादा तो ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं। इस MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत और विडो मेकर यानी विधवा बनाने वाला एयरक्राफ्ट बुलाते हैं। पर सवाल सिर्फ एक है, अगर MiG-21 एयरक्राफ्ट सच में इतना ही बेकार है और जिस कंट्री ने MiG-21 को बनाया और इंडिया को दिया वो खुद ही उसको अपनी एयरफोर्स से हटा चुकी है, तो इंडियन एयरफोर्स इसको आज भी क्यों यूज कर रही है? बस यही हम इस वीडियो में ध्यान से समझेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बड़ा हादसा हो गया, जहां 8 मई की सुबह भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर अ MiG-21 फाइटर जेट क्रैश। इट लेड टू द डेथ सैडली ऑफ 3 सिविलियंस। राजस्थान के हनुमानगढ़ की यह घटना है। खबर मिल रही है कि यहाँ पर एक MiG-21 क्रैश हुआ। देखो, 1963 में सोवियत यूनियन ने ये डील फाइनल की कि वो MiG-21 और उसकी टेक्नोलॉजी भारत को देगा। मार्च 1963 में MiG-21 का पहला बैच इंडिया में आया। तब से लेकर आज तक 874 MiG-21 इंडिया एक्वायर कर चुका है, जिसमें से 657 को बनाने में खुद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्वॉल्व है। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि पिछले 60 सालों में MiG-21 ने काफी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया और सक्सेसफुल रहा। आप ये बात भी सुनके हैरान रह जाओगे कि फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने पाकिस्तान के फोर्थ जनरेशन एडवांस्ड मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 को अपने जिस एयरक्राफ्ट से मार गिराया था वो MiG-21 ही था। उसके अलावा MiG-21 ने 1999 कारगिल वॉर में, 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में और 1971 बांग्लादेश वॉर में भी खूब कमाल किया। लेकिन दिक्कत ये है कि दुनिया की हर मशीन की एक शेल्फ लाइफ होती है। MiG-21 ऑलरेडी उसकी स्ट्रेस लिमिट को, रिकमेंडेड लाइफ और फ्लाइंग आवर्स को एक्सीड कर चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जो MiG-21 हमें 30 साल पहले रिटायर कर देना चाहिए था, उस MiG-21 में हम हार्डवेयर्स अपडेट कर करके आज तक रगड़ रहे हैं। और पूर्व एयर मार्शल BS धनोआ कहते हैं कि MiG-21 हम आज तक इसलिए रगड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। Let me answer that question of why the MiG-21 is still flying. The MiG-21 are still flying because the replacement has not come. You know how long it has taken for the MMRCA deal. रिप्लेसमेंट वाले फंडे को आप ऐसे समझो कि इंडियन एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन में एवरेज 18 एयरक्राफ्ट होते हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन हैं। लेकिन समस्या ये है कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत देश की एरियल सिक्योरिटी के लिए हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। अगर बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं तो अगर भविष्य में पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट एक साथ युद्ध हुआ तो भारत को टिके रहने के लिए 42 स्क्वाड्रन तो चाहिए ही चाहिए, यानी करीबन 750 एयरक्राफ्ट। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास है टोटल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही, यानी हम पहले से ही ऑलरेडी लॉस में हैं। अब एक तो देश के पास पहले से ही एयरक्राफ्ट्स की कमी है, ऊपर से सारे MiG-21 को भी अचानक से फेज आउट कर दो, इससे एरियल सिक्योरिटी का क्या होगा ये आप समझ गए। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि आगे फ्यूचर में और ज्यादा क्रैशेस रोकने के लिए इस काफी पुराने हो चुके MiG-21 को हटा के किसी न्यू और हाईटेक जेट फाइटर से रिप्लेस कर दिया जाए। अब अगर हम रिप्लेसमेंट के बारे में सोच सकते हैं तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एक्स इंडियन एयरफोर्स चीफ्स ने और प्रायर डिफेंस मिनिस्टर्स ने MiG-21 को रिप्लेस करने का नहीं सोचा होगा? ऑब्वियसली नॉट। उन्होंने सोचा भी, एक्शन भी लिया, लेकिन ध्यान से समझो दिक्कत क्या आई।
बात 1983 की है। मिग 21 को इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करते हुए ऑलरेडी 20 साल हो चुके थे और कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स को एहसास हो गया था कि आने वाले 7-8 सालों में उनके प्राइमरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फाइटर यानी मिग 21 को बाय बाय बोलने का समय आने वाला है। लेकिन चिंता की बात ये थी कि अगर मिग 21 को हटाना है तो 40% कॉम्बैट स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए कुछ नया तो लाना पड़ेगा ना, और इस मजबूरी के चलते जन्म हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम के तहत इंडियन एयरफोर्स का मेन टारगेट तो एक ही था, हम एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ऐसा जेट फाइटर बनाएंगे जो मिग 21 को रिप्लेस कर देगा, और वो जेट फाइटर है ये तेजस। अब ये LCA प्रोग्राम की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की थी और हमारा टारगेट ये था कि हम सब कुछ भारत में ही बनाएं। ऑब्वियसली सब कुछ प्लान के तहत ही चल रहा था, लेकिन इस LCA प्रोग्राम में HAL के पास बहुत सारे टारगेट्स होने की वजह से और इंडिया के लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्टर होने की वजह से, जैसे इंजन्स एक्सेट्रा के लिए हम अभी भी बाहर के देशों पे ही निर्भर हैं, इन रीजंस की वजह से जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। ये LCA तेजस फाइटर जेट को खुद से तैयार करके इंडियन एयरफोर्स में लाने वाला प्लान हद से ज्यादा डिले हो गया। यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स आज भी मिग 21 को यूज कर रही है। अगर LCA तेजस प्रोग्राम समय पर पूरा हो गया होता तो मिग 21 इंडियन एयरफोर्स में से कब के डीकमीशन हो चुके थे। खैर, इस पूरे ड्यूरेशन में जो सबसे अच्छी बात थी वो ये कि मिग 21 समय समय पर अपग्रेड होता रहा। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आज जो मिग 21 इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है ये अपग्रेडेड वर्जन है, वो वाला नहीं है जो हमने 1963 में सोवियत यूनियन से लिया था। इसके वेरिएंट्स को ऐसे समझो कि मिग 21 के वन ऑफ द अर्लीस्ट वेरिएंट्स में से था ये मिग 21 FL। ये ऑलरेडी 2013 में डीकमीशन हो चुका है। एक मिग 21 M भी था जो कि 2015 में रिटायर हो चुका है, और बचे हुए जो 113 मिग 21 अभी भी इंडियन एयरफोर्स फिलहाल यूज कर रही है वो है मिग 21 बाइसन। इस बात को अच्छे से समझ लो कि सबसे पुराने वाले मिग 21 में और फिलहाल यूज हो रहे मिग 21 बाइसन में जमीन आसमान का फर्क है। कैपेबिलिटीज और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मिग 21 बाइसन में ऑलरेडी बहुत शानदार अपडेट्स हो चुके हैं। जैसे मिग 21 बाइसन में अपग्रेडेड एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट है, टेक्टिकल डेटा लिंक फैसिलिटी है, हेलमेट माउंटेड साइट है, रडार भी इतना अपग्रेड कर दिया गया है कि एक साथ 8 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 2 के साथ एंगेज भी कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखो कि बालाकोट स्ट्राइक में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन सर ने जो यूज किया था वो भी मिग 21 बाइसन ही था, और कुछ दिन पहले 8 मई 2023 को हनुमानगढ़ में जो मिग 21 क्रैश हुआ है वो भी अपग्रेडेड बाइसन वेरिएंट ही था। लेकिन बाइसन वेरिएंट्स भी 44 साल पहले 1979 के बने हुए हैं, और कितना खींचोगे जनाब, इसलिए क्रैश के चांसेस तो इसके हमेशा ही काफी ज्यादा रहते हैं। मिग 21 के बहुत ज्यादा क्रैश रेट का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी बताया जाता है कि इसमें फॉल्टी सेकंड हैंड स्पेयर पार्ट्स यूज किए जाते हैं। असल में जिस देश ने मिग 21 को जन्म दिया था यानी रशिया, उसने तो ऑलरेडी 1985 में मिग 21 का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद ही कर दिया है। इसके चलते इंडिया को मिग 21 के स्पेयर पार्ट्स इजराइल और यूक्रेन से खरीदने पड़ते हैं जो कि रशिया की नजर में फॉल्टी साबित होते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल PV नायक ने तो इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैंने 2000 घंटे से ज्यादा मिग 21 उड़ाए हैं। दिक्कत मिग 21 की नहीं है, बल्कि मिग 21 के क्रैशेस इतने ज्यादा इसलिए सामने आते हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट फ्लीट में सबसे ज्यादा ही मिग 21 है। इन शॉर्ट, जो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाएगा उसके क्रैश होने के चांसेस भी तो सबसे ज्यादा होंगे। एनीवेज, द बेस्ट पार्ट इज इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड कर लिया है कि 2025 तक सारे मिग 21 भी फाइनली डीकमीशन कर दिए जाएंगे और फर्दर फाइटर जेट्स के क्रैशेस की न्यूज एक्सपेक्टेडली कम हो जाएगी। इस वीडियो पर क्लिक करके 3D एनिमेशन के थ्रू समझो कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने के लिए इतना कमिटेड क्यों है।